तो आज हमारे पास हैं मॉडर्न जो ब्लूटूथ स्पीकर्स आते हैं वो, जिनमें से एक है एमकेट का, बहुत ही प्रसिद्ध मॉडल है पॉकेट ब्लास्ट, और एक जो इन दिनों काफ़ी प्रसिद्ध हो रहा है वो है हमारे पास एनबी नॉइजी बॉक्स का रेट्रो बॉडी। अब जो इस प्रकार के ब्लूटूथ स्पीकर्स हैं उनमें मैं सबसे परेशानी का उनमें सबब ये होता है कि इनमें डिजिटल ट्यूनिंग है, और आप पे जो इसमें जो एनालॉग ट्यूनिंग दी गई है जो रेट्रो बॉडी में, इस एनालॉग ट्यूनिंग को ये इन इसके यदि आप आदी हैं तो आप इसको बहुत मिस करेंगे यहाँ। और इनमें लगातार ट्यून करना एक पूरे बैंड को बड़ा ही कठिन होता है। या तो आप ऑटो ट्यूनिंग करें, ऑटो ट्यूनिंग करेंगे तो आप इसके भरोसे छोड़ देंगे, चाहे ये कमज़ोर सिग्नल को पर ना भी रुके, उसको बिना उसको दिखाए आगे बढ़ जाए, या फिर आप फ्रीक्वेंसीज याद करते फिरिए और उनको इसमें पुट करते फिरिए। सो ये एक लफड़ा होता है जो भी डिजिटल ट्यूनिंग वाले हैं इनमें। तो एनीवे, हम ये देखना चाहते हैं कि एफएम बैंड पर इन दोनों में कौन ज़्यादा सेंसिटिव है। और एक बात और, इसका जो एंटेना दिया गया है वो इसका कैरी स्ट्रैप ही है। अब देखिए, वैसे तो मुझे इसके जो जैसा है उसको वैसा छोड़ देना चाहिए, इसको इसके हालात पे छोड़ देना चाहिए, किंतु फिर भी मैं इसको हाथ से पकड़ के ऊपर रखूँगा जब हम इसको ट्यून करेंगे, अन्यथा ये बिल्कुल ही कमज़ोर पड़ जाएगा। सो देखते हैं इन दोनों में से कौन किसको परास्त कर सकता है। मुकाबला इसलिए भी कांटे का है इन दोनों में क्योंकि ये लगभग लगभग बराबर प्राइस ब्रैकेट वाले हैं। ये भी 1000 से 1500 के बीच में रहता है और ये भी 1000 से 1500 के बीच में रहता है। चलिए पहले हम चलेंगे एनबी नॉइजी बॉक्स पर। सायंकालीन 5 बजे हैं, चलिए चलते हैं। एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस 11 12 100 कुछ 12 है एफएम स्टेशन इसने पकड़े हैं। और इसको हराने के लिए अब एमकेट पॉकेट ब्लास्ट क्या करता है देखते हैं। अब इसमें लफड़ा क्या होगा, मैंने इसको ऑन कर दिया है और फुल वॉल्यूम दे देता हूँ मैं इसको, और एफएम मोड पर ले आया हूँ मैं इसे। और इसके ऊपर जो ये डिजिट्स दिए गए हैं इनके सहायता से मैंने 8, 7 और 5 8, 7, 5 प्रेस कर दिया। पहली फ्रीक्वेंसी पे हम आ गए। अब यदि इसको आगे बढ़ाने के लिए ये प्लस माइनस दिए गए हैं, यही वॉल्यूम के हैं, सो यदि मैं उसको प्रेस करूँ तो वॉल्यूम चेंज हो रही है उससे, और यदि मैं उसको लॉन्ग प्रेस करूँ तो ये प्रीसेट वाले पेज जा रहे हैं, यानी मेरे पास एकमात्र चारा क्या है कि मैं इस प्ले बटन को लॉन्ग प्रेस करूँ ताकि ये ऑटो स्कैन करे। अब ऑटो स्कैनिंग में ये फ्रीक्वेंसीज बीच में छोड़ गया तो अब वो इसकी गलती है। अब जैसे ही ऑटो स्कैन करेगा हर स्टेशन पे 1 सेकंड के लिए रुकेगा, जब ये रुकेगा और अगर वहां कोई साउंड आया तो हम समझ लेंगे एक स्टेशन पकड़ा गया।
फिर से 87.5 देते हैं इसको। ये डिजिटल ट्यूनिंग का झंझट है। ये केवल एमकेट पॉकेट ब्लास्ट की बात नहीं है, ये सभी जो डिजिटल ट्यूनिंग वाले रेडियो हैं सभी में ये लफड़ा रहता है। या तो उनमें अलग से कोई बटन दिया हो स्टेप का, जैसे कि एक्सेस डेटा D808 में दिया है, ऐसा कुछ बटन दिया हो। एनीवे, मैं प्ले बटन को लॉन्ग प्रेस कर रहा हूँ, एंटीना मैंने हाथ से इसका ऊपर कर दिया है, अब ये ऑटो स्कैन करेगा। खाली स्टेशन, खाली एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, खाली आठ, एकेडमी ऑफ कस्टम्स, नौ, दस, ग्यारह, बारह, ऑल राइट। सो ये भी 12 FM स्टेशन पकड़कर ठीक NB नॉइजी बॉक्स के बराबर रहा, किंतु जो इसकी ऑटो ट्यूनिंग थी, अब जैसे मैंने एक बात का ध्यान दिया, जैसे बीच में 92.7 एक FM है जिसको जिस पर कि ये रुका नहीं था। एक बार हम वो फ्रिक्वेंसी पुट करके देखते हैं, 927, ये देखिए। अब यहाँ एक स्टेशन है धुंधला सा, किंतु जब इसने ऑटो ट्यून किया तो उसको ये छोड़ गया। तो अब इसमें किसकी गलती मानी जाए, वो डिजिटल ट्यूनिंग की, वो रेडियो की अपनी कमी है। सो यदि आपको डायरेक्ट फ्रिक्वेंसी याद हो तो ही ये बेटर होते हैं, अन्यथा जो एनालॉग ट्यूनिंग है वो सदाबहार है, उसमें आपको पता भी रहता है कि आप कहाँ आ चुके हैं कहाँ नहीं आ चुके हैं। एनीवे, कुछ भी हो, FM रिसेप्शन पर ये दोनों जो है वो बराबरी पर छूटे हैं। और जाते जाते, क्योंकि इस बात केवल रिसेप्शन की नहीं होती, बात साउंड की भी होती है, सो यहाँ का जो लोकल FM स्टेशन है हिसार, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग पकड़ा जा रहा होगा, उसको चला करके और हम क्यों ना इनका साउंड भी कंपेयर कर दें। 102.3 पर ले चलता हूँ मैं। एक चीज़ हमने हालांकि डिजिटल ट्यूनिंग की बहुत सारी बुराई भी की, लेकिन एक कुछ अच्छाइयाँ भी हैं उसमें। जैसे अब इसमें एग्जैक्ट किस फ्रीक्वेंसी पर है पता लगाना मुश्किल है, किंतु इसमें आप एग्जैक्ट पुट कर सकते हैं 1023। ओके, ये है हिसार। ये सो हम इनके साउंड में अंतर देखते हैं। ऑल राइट, सो मोटा मोटा अंतर ये है कि ये हल्का सा इसके मुकाबले, आई डोंट नो माइक में पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है, ये हल्का सा ज्यादा लाउड जा सकता है, और बेस जो है वो इसमें इसके मुकाबले एमकेट में नॉइजी बॉक्स के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा है। नमस्कार।